ओनू भाकर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अभी उनके पिताजी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि वे लोग इस उपलब्धि के बाद उन लोगों का क्या कहना है। आप पिताजी हैं मोनू के, क्या कहेंगे आप? मैं यही कहूँगा कि शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया किया। आप लोगों को कब सोचना मिली इस बारे में हैं? आप लोगों को कब सोचना मिली इस बारे में? सूचना जब मेडल जीतने के बाद में पत्रकार आए तभी तभी पता चला। क्या कहेंगे इस उपलब्धि जो बेटी ने आपकी हासिल की, इस पर क्या कहेंगे? उसने बहुत बहुत मेहनत की थी और आज भगवान ने उसको बहुत अच्छा वो दिया कि भाई एक मेडल, ओलंपिक का मेडल बहुत बड़ा मेडल होता है। तो आज पूरा देश खुश है और पूरे देश की दुआएं आशीर्वाद काम आई और वो मेडल जीतने में सफल रही। कब से वो इसकी शूटिंग कर रही थी और कहाँ से उनका सिलसिला शुरू हुआ? गोरिया गांव का मैं है, जब मनु 10th में थी यूनिवर्सल स्कूल में पढ़ती थी तो यूनिवर्सल स्कूल की रेंज में स्टार्ट किया था उसने और वहीं से वो वर्ल्ड चैंपियन तक बनी थी। कहाँ का है सेरिया? ये गोरिया गांव जिला झज्जर हरियाणा में। तो कब कौन से ईयर में उन्होंने शुरू किया था शूटिंग? उन्होंने 2016 में स्टार्ट किया था और 2018 में वो वर्ल्ड कप, सीनियर वर्ल्ड कप की विनर भी हो गई थी और कॉमनवेल्थ और यूथ ओलंपिक की गोल्ड मेडलिस्ट भी हो गई थी। अभी आप लोगों को जो उपलब्धि मिली है, किस तरीके से शुभकामनाएं मिल रही है और कैसा लग रहा है आप लोग? आप देख ही रहे हो, जैसे कि आप भी देख ही रहे हो, देशवासियों का आशीर्वाद और प्यार मिल रहा है। स्पेशली मेरे सराउंडिंग में जो हमारे आसपास रहते हैं वो लोग सबसे पहले खुशियां बांटने आए, स्पेशली सोसाइटी के आसपास के पड़ोस के वो लोग आए और बहुत खुशखबरी दी उन्होंने और वैसे भी सपोर्ट में बहुत सारे वो लोग मदद करते रहते हैं। तो मैं सभी का धन्यवाद देता हूँ, स्पेशली फेडरेशन जो है हमारे हरियाणा राइफल एसोसिएशन, नेशनल राइफल एसोसिएशन, बाद में अपना टोप्स है जो स्पोर्ट्स मंत्रालय का एक हिस्सा है, देन OGQ है, देन कोच जसपाल है, बहुत सारे लोगों का इसमें कंट्रीब्यूशन है, फीजियो है जो उसको मनु को मिलते हैं। तो मेडल जब आता है तो बहुत सारी जो नहीं दिखाई देते हैं वो लोगों का भी मदद होती है। तो मैं इसके लिए कहूँगा देशवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपके आशीर्वाद और ये बना रहे, धन्यवाद। जो उनको मेडल जीतने के बाद उन्होंने कहा क्या है कि गीता से उनको बड़ा मनोबल मिला है, तो उसको क्या कहें? जी, गीता एक ऐसी चीज़ है जिसको आप जितनी बार भी पढ़ोगे उतना ही आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैं तो सबको रिकमेंड करता हूँ, गीता सबको पढ़नी चाहिए। आप लोगों ने किस तरीके से स्वागत की तैयारी की है अपनी बेटी की? अभी तो उसके इवेंट बाकी हैं, अभी तो शुरुआत है, तो दो इवेंट बाकी हैं। जब आएंगी तब उसको लेने जाएंगे एयरपोर्ट पे, ढोल नगाड़ों से लेने जाएंगे। और अभी जो अभी आप लोगों को जो शुभकामनाएं मिल रही है उस पर सरकार से कुछ कहेंगे? सरकार के लिए, देशवासियों को संदेश, बेटियों के लिए संदेश? जी, सभी देशवासियों का आशीर्वाद जैसा है, प्यार मिल रहा है, उस सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बेटियों के लिए विशेषकर? वे बेटियों और बेटों में फ़र्क नहीं रखना चाहिए, आपके अपने बच्चे बेटा बेटी हैं, सब बराबर होना चाहिए और सभी को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। आपकी कितनी बेटी और कितने बेटे? मेरा एक बेटा एक बेटी। आप देख सकते हैं ए मोनू भाकर के पिताजी हैं, जिनका कहना है कि ये काफ़ी खुश हैं अपनी बेटी की उपलब्धि पर।